नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बेस्ट फार्मर 20 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं रविंदर सिंह, आप देख रहे हैं बेस्ट फार्मर 20 यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों इस चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में देखे बेल आइकन दबा के ऑल के निशान पर क्लिक करें, जब भी हम वीडियो डालें आप देख पाएंगे सबसे पहले। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप RIR मुर्गी पालना चाहते हैं तो उनका अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इस वीडियो के द्वारा आप उस चीज़ें सारी समझ सकते हैं, कितने अंडे देती है, कितना क्या रेट है और कैसा कलर है, अगर उसको चूजा है तो उसको कैसे पहचाने कि RIR का है। तो ये आज इस वीडियो में सारी बात करने वाले हैं कि आपको पालने में फ़ायदा है या नहीं है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम आज वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि RIR मुर्गी अगर आप पालना चाहते हैं या उनका फार्म करना चाहते हैं तो उनके अगर आपको जानकारी नहीं है तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चूजे से लेके उनका प्रोडक्शन करने तक की पूरी जानकारी है, जैसे कि चिक्स कहाँ से खरीदें, कैसे खरीदें, चिक्स की रेट क्या है, अंडे कितने दिन में देती है, अंडे कितने देती है, फीड कौन सी खाती है, बीमारियाँ कितनी आती है और उसमें जो भी अंडे की रेट क्या है, इस सारी इसमें आज बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए अंत तक बिना स्किप किए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि RIR मुर्गी की नस्ल कहाँ की है। ये नस्ल अमेरिका की नस्ल है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कि अगर आप ये चिक्स खरीदते हैं या मुर्गियाँ खरीदते हैं बड़ी, तो इसकी पहचान कैसे करें। तो दोस्तों इसका जैसे कलर होता है वो कलर ब्राउन रहता है और कलकी होती है वो रेड रहती है। जी हाँ दोस्तों, कलर ब्राउन और कलकी रेड, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं कि अगर छोटे चिक्स खरीदते हैं हैचरी से या आप आसपास की शॉप से जहाँ से भी आप खरीदते हैं, तो RIR की चिक्स की रेट रहती है 50 रुपये से लेकर 70 रुपये पर चिक्स रेट रहती है और एरिया के हिसाब से अलग अलग रेट भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम इसकी 50 से 70 रुपये रेट रहती है, ठीक है। तो इसकी फिर बात करते हैं कि ये चिक्स खरीदते हैं उसके बाद में अंडे देना कितने दिन बाद स्टार्ट करती है। जी दोस्तों, ये लगभग आपको जैसे 130 से लेके 140 दिन की हो जाती है तब ये अंडा देना स्टार्ट करती है, ठीक है। ये 130 से 140 दिन होने पर इसका वजन होता है तो वो आपको 1500 से लेके 1650 ग्राम वेट इनका होना ज़रूरी है तब ये अंडे देना स्टार्ट करती है, ठीक है। और जो ये फीड है तो ये फीड बहुत मतलब जो और मुर्गियाँ होती है उसके मुकाबले ज़्यादा खाती है। जो इसके मान के चलें तो लगभग 150 ग्राम फीड इसकी जीरो से लेके जब तक ये अंडा देना स्टार्ट करती है तब तक कि इसकी पर डे की फीड का एवरेज निकालते हैं तो 150 ग्राम के आसपास फीड ये खा जाती है, ठीक है। बीमारी की बात करें तो इसमें बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं आती है, बहुत ही कम बीमारी आती है। अगर आप चाहें तो आपके चिक्स छोटे रहते हैं जैसे 7 से 14 दिन के रहते हैं तो इसमें आप रानी खेत का वैक्सीन कर सकते हैं, गंबोरा का हो गया, लासोटा वैक्सीन हो गई, ये आप अपनी चिक्स में कर सकते हैं तो आपके बाद में इसमें बीमारी का बहुत ही कम चांस हो जाते हैं होने का। तो इतनी बीमारी इसमें आती भी नहीं है, अगर ये आप वैक्सीन कर देते हैं तो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगर दोस्तों इसकी मैक्सिमम एग्स की बात करें तो 180 से लेके 190 दिन में ये मैक्सिमम एग इसके मिल जाते हैं और ये एग लगभग एक साल में 230 से लेके 300 एग्स आसानी से दे देती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जो आप घर की फीड देते हो, अगर आप मार्केट की फीड देते हो जैसे लेयर फीड हो गई तो वो आप देते हो तो अपनी मुर्गी लगभग 330 एग्स के आसपास में दे देती है। और अगर इसका जो रहन सहन का जो उसका होता है जैसे कि फार्म हो गया, जब भी आप घर पे कम मुर्गियाँ रखते हैं तो आपका जो भी छोटा शेड होता है तो उनको आप अच्छे से रखते हो, एनवायरनमेंट इसका अच्छा हो, उनको दाने टाइम पे मिल जाए, पानी टाइम पे मिल जाए तो ये एग देने में कोई उनकी दिक्कत नहीं होती है, लगभग 300 से लेके 330 एग्स आसानी से दे देती है। और दोस्तों इसमें आप पे सारा डिपेंड करता है, आप उनको कैसे पालते हो, कैसे नहीं पालते हो, कितना टाइम देते हो उनको, ठीक है। और इनकी अगर बात करें कि मार्केट में अगर इसका मीट के पर्पज़ से पालते हैं तो आप उनमें मार्केट की फीड होती है जो फैट बढ़ाने की होती है तो वो देख के आप आसानी से उनको मार्केट में सेल कर सकते हो। अगर इसकी मार्केट की बात करें तो मार्केट में 250 से लेके 300 रुपये पर केजी सेल हो जाती है होलसेल के हिसाब से। अगर आप मार्केट की फीड खिला के उनका वेट बढ़ा के अगर बेचना चाहते हैं मीट के पर्पज़ से तो ये लगभग 3 महीने में 2 केजी के आसपास में वेट आसानी से गेन कर लेती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों RIR मुर्गी पालने का
नया तरीका और आप इस तरीके से अपनी मुर्गी पालन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जरूर मैं दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में देखे बेल आइकन को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक करें और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय जवान जय किसान।